الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا फ़्यूकाल बिस्तफ़ारी वल कलक एक छोटी सी हदीस है जो सोना इब्ने माजा की रिवायत है इस हदीस में इसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह के नबी स फरमाते हैं कि कियामत के दिन जन्नत में एक आदमी का दर्जा बहुत बुलंद कर दिया जाएगा बहुत बढ़ा दिया जाएगा तो वो पूछेगा अनः ये कैसे हो गया क्योंकि जन्नत में जो दर्जे हैं वो दर्जे इंसान की नेकियों से बढ़ने वाले हैं नेकी ज़्यादा हो गई दर्जा बढ़ जाएगा नेकी कम हो गई दर्जा घट जाएगा और जन्नत में जो दर्जे हैं वो हर दर्जे में जो फैसिलिटी है जो जो लोगों के लिए अल्लाह ताला ने इनाम रखा हर दर्जे में अलग अलग है ऐसा नहीं कि सब में बराबर है तो एक आदमी का दर्जा जन्नत में अल्लाह ताला बढ़ा देगा यानी वो नीचे क्लास में था अल्लाह ताला उसको ऊंचे क्लास में कर देगा बढ़ा देगा तो अल्लाह से पूछेगा कि अल्लाह ये कैसे हो गया इतनी सारी नेकियां तो मैंने की नहीं थी और ये दर्जे नेकियों की बुनियाद पर मिलते हैं तो अमल तो मैंने किया नहीं ये कैसे हो गया तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि ये दर्जा जो तुझको मिला है बिस्तफारी वल कलक तेरी औलाद का तेरे लिए मगफरत की दुआ करने की वजह से इसतफार की दुआ करने की वजह से या इसतफार करने की वजह से ये तुमको मिला है इस हदीस इबन माजा की रिवायत है और सही रिवायत है अल्लाह ताला ने दुनिया में और आखिरत के अतबार से भी बहुत सारे अस्बाब रखे हैं बंदे के माफ़ करने के लिए अगर बंदा ये कर ले ये कर ले तो अल्लाह ताला बंदे के गुनाह को माफ कर देगा ऐसे जन्नत में भी अल्लाह ताला ने जो दर्जे रखे हैं उसमें भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे इसबाब रखे हैं बंदे के लिए कि एक बंदा अगर ये ये अमल किए होगा तो उसका दर्जा बढ़ जाएगा उसी में से एक सबब है दर्जा बढ़ने का एक सबब है कि औलाद अपने वालदेन के लिए मगफरत की दुआ करे हम सब चेक करें अपने आप को दुनिया में जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं या चले गए दुनिया से या कयामत तक आएंगे सबके वालिदैन रहेंगे सब औलाद वालिदैन से रिश्ता जुड़ा होता है तो एक बात तो ये मालूम होती है कि वालिदैन के लिए अपने मरने के बाद भी सवाब जारी रहे मिलता रहे तो वो साल औलाद का छोड़ के जाना और ऐसी साल औलाद जो मरने के बाद उसके हक में दुआ करें बहुत सारे लोग होते हैं जो दुआ नहीं करते हैं ठीक है अपनी ज़िंदगी में नेक है नमाज उनकी अच्छी है और रोज़ा ज़क़ा सब कुछ है लेकिन कभी भी या शायद कभी अपने वालदे के लिए वो दुआ करते हों बहुत सारे लोग हैं अपने लिए खूब मांगते हैं दुनिया के अतबार से बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं लेकिन वालदे के हक़ में इसलिए जो अल्फाज हैं हदीस में कि इंसान जब मर जाता है तो उसका अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है यानी अब उसके अमल के बाद जो उसके अकाउंट में नेकी आ रही थी सवाब आ रहा था बंद हो जाता है मीटर बंद हो जाता है उसका सवाब मिलने वाला मीटर बंद हो जाता है लेकिन तीन अमल है कि उसके बाद भी जारी रहता है वो मीटर जारी रहता है सवाब उसको मिलता रहता है मरने के बाद भी उसमें आपने जो एक बात बताई नेक औलाद जो उसके बाद उसके लिए दुआ करे सिर्फ नेक औलाद नहीं ने कहा कि नेक औलाद छोड़ के जाए ऐसी नेक औलाद जो दुआ करे इससे एक बात मालूम होती है कि बहुत सारे लोग जिनके वालदेन दुनिया से चले गए और वो अपने वालदेन के लिए कुछ नहीं कर पाए या उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने वालदेन के हक में जो करना चाहिए था जैसा उनकी खिदमत करना चाहिए था नहीं कर पाए अब अफसोस कर रहे हैं कि अब क्या करें कभी कभी सवाल आता है कि हम बहुत कुछ नहीं कर पाए अभी कुछ रास्ता है कि नहीं हमारे लिए बहुत बड़ा रास्ता है बहुत बड़ा जरिया है उनके लिए कि अगर वो नहीं कर पाए थे कुछ तो कम से कम उनके इंतकाल के आज वो दुनिया में नहीं है तो रोजाना उनके हक में इस्तार करना चाहिए अल्लाह ताला से मकफरत की दुआ करना चाहिए रोजाना अभी जो हमने शुर सुनी नमाज में जो नूसलम की दुआ रब फिरली वली वालैया रब फिरली वली वाल आदमी इतने ही कहे रब्ब फिरली वली वाल अल्लाह मुझको बख्श दे मेरे वाले को बख्श दे तो या इब्राहिम की जो दुआ थी रबान फिरली वली वालदैया तो एक आदमी इतना कम से कम रोज आना कहे रबली वाली वालदैया अल्लाह मुझे और मेरे वालदेन को बख्श दे छोटा सा जुमला इतना कह सकता है अगर पूरी आयत उसको नहीं आता तो कम से कम इतना कहे रबली वाली वालैया वाली बहुत बड़ी नेकी है अगर हम अपने वालदे को आखिरत में जन्नत में ऊंचा दर्जा दिलाना चाहते हैं टॉप लेवल का दर्जा दिलाना चाहते हैं रोजाना इस की दुआ करें और ये मोहब्बत का जरिया भी है कि वाकई हमको अपने वालदे से कितना लगाव है उन्होंने हमारे लिए इतना सारा किया हम कितना उनके लिए करते हैं ये एक औलाद की दुआ से मालूम होता है कितना वो अपने को चाहती है तो रोजाना दुआएं करते रहना चाहिए और इससे एक बात मालूम होती है कि बहुत सारे लोग यानी अमल करने के बावजूद अमल ना करने के बावजूद अल्लाह ताला सवाब देने वाला है अब देखिए वालदेन ऐसे होंगे कि जिन्होंने अमल नहीं किया है लेकिन फिर भी दर्जा मिल रहा है कितना खुश होंगे आप बताइए एक आदमी को बगैर मेहनत के अगर वो चीज मिल जाए आप सफर करते हैं देखिए आदमी स्लीपर का टिकट निकाला रहता है उसका टिकट अगर एसी में कंफर्म हो जाता है कितना खुश होता है पैसा दिया स्लीपर का स्लीपर का पैसा दिया और टिकट कंफर्म हो गया एसी में एकदम खुश रहता है इतना ज़्यादा खुश रहता है अगर एक शख्स को अल्लाह ताला बगैर मेहनत और बगैर अमल किए उसका दर्जा अल्लाह बढ़ा दे तो कितना खुश होगा वह तो अगर हम वालदेन को ऐसी खुशी देना चाहते हैं क़्यामत के दिन की वालदे खुश हो जाए तो रोज़ाना अपने वालदेन के लिए इस्तफार की दुआ रोज़ाना इसतफ़ार करें और रोज़ अपनी दुआओं में उनके लिए मक़फ़र अगर दुनिया में ज़िंदा हैं तब भी दुनिया से चले गए तब भी रोज़ाना उनके लिए इसफफ़ार करें तो ये जो छोटी सी हदीस है जो नबी ने बयान की कि कयामत के दिन अल्लाह ताला एक आदमी का दर्जा बढ़ा दे जन्नत में कितने दर्जे हैं सौ दर्जे हैं सौ दर्जे हैं और हर दर्जे में जो जो फैसिलिटी है जो इनाम अल्लाह ने रखा है ना सब अलग अलग है ऐसा नहीं कि जो नीचे वाले दर्जे वाले को जो मिलने वाला है वो ऊपर वाले को भी सेम नहीं ऊपर वाले को अलग रहेगा उसके ऊपर वाले को अलग फैसिलिटी सबकी अलग अलग, अलग रहेगी भाई आप स्लीपर में जाते हैं तो उसकी फैसिलिटी अलग है ए में अलग है थर्ड ए में अलग है सेकेंड कुछ ना कुछ तो फ़र्क रहता है ना ऐसे हर दर्जे में अलग अलग चीज़ अल� है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि अल्लाह ताला वालदेन के मकाम को बढ़ा देगा अगर हम चाहते हैं तो हम रोज़ाना अपने वालदेन के हक़ में दुआएं करें और रोज़ाना उनके लिए इस्तफार करें अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने वालदेन के हक़ में रोज़ाना मगफरत की दुआ करने की तोफ़ी अदा फरमाए आमीन तकबल या रब्बाल में ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करे ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन जजाकल्लान